हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपना एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ क्रिएटिव स्टडी AK। यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो। रिप्लाई लेट मिल सकता है बट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, अपने को डिफरेंशिएट करने हैं द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि इन फंक्शंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर अपने पास वाई इज इक्वल टू 4x³ - 5x² + 1। तो यू मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर यू मान लेते हैं 4x³ - 5x² + 1। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, u की पावर 4 हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx। तो ये क्या होगा, dy by du into du by dx। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, dy by du क्या होगा, 4 u की पावर 3। और du by dx क्या होगा, du by dx तो ये होगा 12x³ - 10x, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो पुट करेंगे तो dy by dx मेरे पास आ गया 4 u की पावर 3 into 12x³ - 10x। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2x कॉमन निकाल लेते, क्या बच गया, 6x - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x, u की वैल्यू क्या है, ये रही u की वैल्यू 4x³ - 5x² + 1³। और इसको एज इट इज़ लिख दिया तो मेरे पास जो dy by dx है उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब आप करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर द रूट 15x² - x + 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 1/2। तो यहाँ पर u को डिफाइन कर दिया 15x² - x + 1, और y क्या हो गया भाई, u की पावर 1/2। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है। क्या होगा, dy by du और du by dx। तो अपने पास dy by du क्या होगा, 1/2 अंडर द रूट u, यही तो होगा। और यहाँ से अगर मैं du by dx निकालता हूँ, du by dx क्या होगा, 30x - 1। पुट कर दो इसके अंदर, पुट करेंगे dy by dx इज इक्वल टू dy by du, ये रहा 1/2 रूट u, u की वैल्यू क्या है 15x² - x + 1। और मेरे पास du by dx क्या है, du by dx ये 30x + 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। आगे तो सोल्व नहीं किया हुआ ना, देख लेते हैं एक बार, नहीं आगे सोल्व नहीं किया हुआ, इतना ही है। अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड, इसको रफ कर रहा हूँ। थर्ड के अंदर फंक्शन रूट के अंदर है, आप लोग सेम टू सेम इसी से हो जाएगा। उसके बाद चलो करके बता देते हैं एक बारी। यहाँ पर क्या मानोगे, u को मान लेना 2x² - 3x + 5। आप लोगों का u क्या हो जाएगा, u की पावर 1/2, ठीक है। dy by du निकालो 1/2 रूट u, और सिमिलरली du by dx क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा 4x - 3। वैल्यूज पुट कर दो, dy by dx इज इक्वल टू dy by du, तो 1/2 u की वैल्यू क्या है, 2x² - 3x + 5, और du by dx क्या हो जाएगा, 4x - 3, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1/√x + 1। यहाँ पर क्या करो, u को मान लो x + 1, यहाँ पर y क्या हो जाएगा भाई, 1/√u। तो इसको क्या लिख सकते हैं, u की पावर -1/2, ऊपर लेके आ गया।
तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की पावर, ठीक है, माइनस वन करेंगे तो टू माइनस का थ्री बाई टू, राइट। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का वन बाई टू और यहाँ पर आ जाएगा यू की पावर थ्री बाई टू। सिमिलरली डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स वो मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू क्या है मेरे पास, माइनस का वन बाई टू, यू की वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू और इंटू में डी यू बाई डी एक्स मेरे पास क्या है वन। तो ये आप लोगों के पास फोर्थ का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, राइट। अब उसके बाद देखो फिफ्थ आगे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट करवाते हैं। फिफ्थ पार्ट है भाई, आप लोगों को दे रखा है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले u को मैंने क्या मान लिया, u को इस टर्म को u मान लिया और y क्या हो जाएगा, u की पावर वन बाई टू, ठीक है। तो इसको यही होगा ना, अंडर द रूट यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, यू की पावर वन बाई टू। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी यू निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, वन बाई अंडर रूट यू और यू की यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, इस टर्म को मैं ऊपर ले गया तो मेरे पास यू की वैल्यू ही आ गई, ठीक है, वन बाई टू अंडर द रूट यू आएगी, यू की जगह पे जो वैल्यू है वो पुट कर दी, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपन डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो यू अपॉन वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, और जो नीचे था ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का टू एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, टू एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बच गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बच गया ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन में ये चल ही रहा है, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, तो ये देखो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर और टू बार है फोर हो गया, फोर ए स्क्वेयर और एक्स था उसको एज इट इज लिख दिया, तो डी वाई बाई डी यू डी यू बाई डी एक्स दोनों वैल्यूज आ गई। अब जस्ट मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, पुट करने के बाद देखो ये मेरे पास फॉर्म आ गई। अब इसको एक स्टेप और सोल्व किया हुआ है, वो देख लो कैसे किया हुआ है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बुक के अंदर एक स्टेप, हाँ एक स्टेप और सोल्व कर रखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इससे ये कैंसिल आउट किया तो टू बच गया, टू ए स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है टू, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है, इसको वन बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको जब नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या बच जाएगा, टू माइनस टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई टू ए स्क्वेयर एक्स अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ तक बुक के अंदर दे रखा है सी की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है सिक्स्थ पार्ट की, ये सेम टू सेम है, आप लोग यू लिखो डी यू बाई डी एक्स लिखो डी वाई बाई डी यू निकालो, जस्ट वैल्यूज पुट करो, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा आपका। ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया डी वाई बाई डी यू निकाल दिया, ठीक है, और जस्ट फिर वैल्यूज़ पुट करके आपको बता दी, सेम टू सेम ऐसे ही अगले स्टेप में सोल्व करना है इसको। उसके बाद सिमिलरली वाई इजिकल टू, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पर सोल्व करके दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से सोल्व करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अपन ये क्वेश्चन किया सेम टू सेम, वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट होंगे। उसके बाद एट नाइन टेंथ बचते हैं, वो भी मैं आपको जस्ट अभी करवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का एट पार्ट है भाई, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट पार्ट है। तो यहाँ पर जनरली आप क्या करते हैं, u को मान लेते हैं 5x अपॉन 3x प्लस 2, तो यहाँ पर मेरे पास y क्या हो जाएगा, u का क्यूब माइनस 2u स्क्वेयर प्लस 10, राइट। तो निकालना क्या, dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए एक तो चाहिए dy बाई डी यू, dy बाई डी यू क्या होगा 3u स्क्वेयर माइनस 4u, राइट, और डी यू बाई डी एक्स क्या होगा मेरे पास, डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए नीचे वाले का स्क्वेयर, यू बाई वी रूल लगाते हैं,
नीचे वाला एज इट इज, यानी कि 3x प्लस 2 को एज इट इज लिखा, 5x का 5 माइनस, उसके बाद अपने पास क्या बच गया, 5x को एज इट इज लिखा और 3x प्लस 2 का किया तो 3 आ गया। सोल्व करेंगे, यह आएगा 15x प्लस 30, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, माइनस का 15x, तो ये 5 × 2 = 10 आएगा भैया, ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ठीक है। 15x से ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालेंगे तो मेरे पास 3u² माइनस 4u, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 10/3x + 2 का होल स्क्वायर। u की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो dy/dx मेरे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3u की वैल्यू है मेरे पास 5x/3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4u है, माइनस का 4u, u की वैल्यू है 5x/3x + 2 इंटू में 10/3x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सारी टर्म्स को एज इट इज लिख दिया, अब इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे तो ये देखो, स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर, 25 की 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 75x² / 3x + 2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20x/3x + 2, बाहर क्या बच गया मेरे पास 10/3x + 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लो और सोल्व करो। सोल्व करेंगे 75x² माइनस का 20x, यहाँ पर आ गया 3x + 2/3x + 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या है 3x + 2 है और एलसीएम क्या गया 3x + 2 square, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, बाहर मेरे पास ये वाली टर्म चली रही है, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास 75x² माइनस का 60x² माइनस का 40x, ठीक है। अब ये क्या बच गया, 15 बच गया, ठीक है, 60 और 15 = 65, तो 15x² / 3x + 2 का होल स्क्वायर, और बाहर मेरे पास क्या है भाई 10/3x + 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और 3x + 2 की इसके साथ, तो ऊपर क्या बच गया है भाई मेरे पास 10 15x² - 40x, और नीचे क्या आ गया भाई मेरे पास 3x + 2, बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है तो 4 हो गया। इससे आगे भी सोल्व किया हुआ है, कर रखा है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करो और उसमें से कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो ये 50 हो जाएगा, अंदर क्या बच गया 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, 8x / 3x + 2 की पावर 4, तो आंसर यही दे रखा है ना, हाँ बुक के अंदर आंसर ये दे रखा है भाई। तो ये आप लोगों का 8th क्वेश्चन था, अब 9th करते हैं। नाइन्थ के अंदर आप लोगों को बोल रखा है y इज इक्वल टू 2 की पावर cos x, तो यहाँ पर u को क्या मान लो भाई, आप लोग यहाँ पर u को मान लो cos x, और y क्या हो जाएगा फिर 2u। अब एक फॉर्मूला होता है भाई किसका, जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy/dx ऑफ log की ax, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक बारी तो आप क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है जैसे कि dy/dx ax है ना, तो ax को एज इट इज लिखते हैं, फिर लिखते हैं log ऑफ a, तो यहाँ पर देखो dy/du लिखोगे ना जब आप लोग, तो ये 2u तो एज इट इज, और एक बार मेरे पास आ गया log 2, ठीक है, क्या आ गया log 2। अब du/dx निकालोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का साइन एक्स, क्या आ गया माइनस का साइन एक्स, तो dy/dx निकालोगे, dy/dx क्या हो जाएगा आप लोगों के पास dy/du, और du/dx, dy/du क्या है आप लोगों के पास, dy/du है 2 cos x log 2, और
ये है मेरे पास साइन एक्स। तो आंसर चेक करो, क्या यही दे रखा है? बिल्कुल यही है। माइनस का साइन आगे लिख के इसको इस तरह से लिख दो, लॉग टू साइन एक्स। तो आप लोगों के पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन, टेंथ देखो भाई, वाई इज इक्वल टू ये दे रखा है एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो यू को आपने ये मान लिया, ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा, यू का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो टू यू, यू की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का वन हो जाएगा रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू एक्स, और ये माइनस का साइन था ना, इसको यहाँ लिया है तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये इसको एज इट इज लिख दिया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, नीचे स्क्वेयर है। अब आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ इस टर्म का, जो ऊपर वाली टर्म है। एलसीएम लेंगे तो जस्ट ये टू रूट एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रूट टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया तो ये क्या हो गया, फोर रूट एक्स, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो लास्ट में क्या मिलेगा आप लोगों को, ये वाली टर्म मिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म है, इसको बाहर निकाल लिया। फिर क्या करते हैं, रूट टू एक्स से ऐसे किया हुआ है, देखो वन बाय वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, टू रूट एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का वन, इसके साथ भी रूट टू एक्स है, इस टर्म के साथ भी रूट टू एक्स है, और इस टर्म के साथ भी रूट टू एक्स है, ठीक है। तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बच जाएगा, टू से टू गया, एक्स अपॉन रूट एक्स है तो आप इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस वन बाय टू रूट एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई सॉरी डी यू बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। ये आपने निकाला डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी यू है, तो डी एक्स निकालेंगे तो जनरली क्या होगा, डी वाई बाई डी यू इंटी डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है, वन बाई वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और ये है वन माइनस रूट एक्स माइनस वन बाई टू रूट एक्स। अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर एड, तो इसको लिख सकता हूँ कैसे, क्यूब कर दिया इसका, वन माइनस टू एक्स का क्यूब, राइट। तो ये आप लोगों का भाई एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का टेंथ पार्ट था। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मतलब स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद आप एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 11th और 12th पार्ट भी है भाई, वो मैंने देखे नहीं। तो y क्या दे रखा है, y इक्वल टू log sin x दे रखा है, यहाँ पर u मानते हैं sin x, y मानते हैं log u, तो du यू बाई डी एक्स हो जाएगा cos x, और dy बाई डी हो जाएगा 1 बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी यू और du यू बाई डी एक्स पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू टेन एक्स स्क्वेयर है, तो u को एक्स स्क्वेयर मानते हैं, तो y को मानते हैं टेन यू, सोल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भाई, वो बिल्कुल आसान है, u बाई वी मैथड लगेगा दोनों क्वेश्चन में, जो दोनों पार्ट हैं उनके अंदर, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करो, जो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, तो यहाँ पर u को मान लो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वाई को, वाई क्या हो जाएगा, अंडर द रूट यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है, तो इसको डी यू बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, टू एक्स आएगा। जब आप डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी यू, तो ये आएगा वन बाई टू रूट यू, ठीक है। अब अंडर द रूट यू, यू की वैल्यू क्या है, ये है वन बाई टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब देखो डी वाई बाई डी यू भी है, डी यू बाई डी एक्स भी है, जस्ट आप लोग क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो,
क्या निकालो dy बाई dx, dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू में क्या है मेरे पास 2x, ठीक है, इससे ये हो गया कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास क्या बच गया, ये हो गया x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया dy बाई dx आ गया। अब नेक्स्ट देखो भाई, प्रूफ क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, तो क्या करो पुट करो जस्ट इसके अंदर y dy बाई dx की वैल्यू क्या है मेरे पास x अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस का x क्या हो गए इक्वल टू जीरो हो गए। LCM लो, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस माइनस एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, मैं वीडियो बना के बात करूँ, देखो भाई अब मेरे पास y क्या है, y ये रहा अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये x है माइनस का x अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गए तो जीरो इक्वल टू जीरो, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम टू सेम है, ठीक है, प्रूफ करना है इसके अंदर कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फोर है मेरे पास y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है। अब क्या करना है, यू मान लो भाई 1 प्लस एक्स की 5, प्रूफ क्या करना है वो लिख देता हूँ, प्रूफ दैट dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा मेरे पास, ये होगा 5x की 4 2y, ठीक है, 5x की 4 2y, तो u ये हो गया, तो y क्या होगा अंडर द रूट u, du बाई डी एक्स निकालो, ये होगा 5x की 4 और dy वाई बाई डी यू निकालेंगे तो 1 बाई रूट यू, 1 बाई यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 5, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये y लिख दिया। तो जब आप dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy वाई बाई डी यू क्या आ गया 1 बाई 2y और डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया 5x की 4, इसको क्या है 5x की 4 अपॉन 2y, तो ये मेरे पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। ये आप लोगों का भाई क्वेश्चन नंबर 4th है जो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम इन द सेंस कि ये मान लो जो आपने डारबोक्स थ्योरम की थी सेम टू सेम वैसे ही स्टेप हैं, जस्ट आप लोग एक बारी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी करके खुद से। 6th भी कुछ ऐसा ही है, 7th भी और 8th भी, राइट, तो आप लोग 5th 6th 7th और 8th छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है जर्नली वो यही आता है, एक तो डारबोक्स थ्योरम का प्रूफ आता है, उसके बाद आप लोगों से चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, 5th 6th 7th 8th आप लोग छोड़ सकते हो, उनको स्किप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।